सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज के बीच के झगड़े अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार इन दोनों के बीच में एक बार फिर से फिजिकल फाइट देखने को मिली है। दरअसल घर में चल रहा है कैप्टेंसी की दावेदारी को लेकर टास्क, जहां पर ट्रेन में चढ़ने से पहले घर वालों को किसी भी एक सदस्य के नाम का बैग उठाना है। और इसी दौरान चीना झपटी में सिद्धार्थ का धक्का लगता है आसिम को और आसिम दीवार से टकरा जाते हैं। आसिम को गुस्सा आता है और वो कहते हैं, डू नॉट फोर्स मी, डू नॉट। इस दौरान आसिम रियाज बेहद ही गुस्से में होते हैं, सिद्धार्थ को वापस पुश करते हुए देखते हैं और इन दोनों के बीच में एक बार फिर से वही तरीके की लड़ाई देखने को मिलती है। सिद्धार्थ इस दौरान बेहद गुस्से में नजर आते हैं और वो आसिम पर खूब चिल्लाते हुए दिखते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ एक तरफ बैठ जाते हैं तो भी आसिम बीच बीच में उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तू पलटू है, स्लिप है, स्लिप मारता है, तू बेवकूफ है, तुझमें दिमाग नहीं है कि कब क्या करना होता है। इस दौरान सिद्धार्थ ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं और बस कहते हैं, हाँ ठीक है, ओके, यही मानता है ना, इट्स गुड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके इस झगड़े में ये दोनों फिजिकल हो जाते हैं और बाकी घर वाले इन दोनों को अलग करते हुए नजर आते हैं, इन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बनी रहिए हमारे साथ।